नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम स्वच्छ भारत में आपका स्वागत है। दर्शकों, अक्सर ये कहा जाता है कि अगर आप स्वच्छता को अपनाएंगे तभी आप स्वच्छ जीवन को पाएंगे। दर्शकों, स्वच्छ भारत के आज के इस कार्यक्रम में हम आपको लेकर आए हैं शिमला के सरस्वती विद्या मंदिर और आपको दिखाने वाले हैं कि विद्यालय में विद्यार्थियों के लिए स्वच्छता का क्या महत्व है। आइए चलते हैं, देखते हैं। मैम, जब हम बात करते हैं विद्यालय में और स्वच्छता के लिए, तो मैम स्वच्छता के लिए कितने जागरूक है? अगर मैं घर से बात करूं तो घर में आप क्या क्या कार्य करते हैं स्वच्छता के लिए? जैसे बच्चों की बात कहें हम, तो बच्चों को रोज़ नहाना नहलाते हैं पहले, स्टार्टिंग से ही रोज़ सुबह नहाना चाहिए, साफ़ सफाई करनी चाहिए, अपना ध्यान खुद रखना चाहिए बच्चों को। छोटे से हम जितनी आदत डालेंगे बच्चे उतने ही जागरूक रहेंगे। ब्रश करने हैं, अपने टीथ नेल कट करने हैं, साथ साफ कपड़े पहनने हैं, वैसे ही खाने पीने के में भी हैंड वॉश करने हैं खाने पीने से पहले। और जैसे कोविड था तो इसमें तो वैसे भी सभी जागरूक हो गए, मीडिया के थ्रू भी और वैसे भी काफ़ी जागरूक हैं। जैसा कि मैम ने जिक्र किया कि बच्चे काफ़ी जागरूक हैं स्वच्छता के लिए, तो मैम आप स्कूल में क्या क्या बच्चों को क्या क्या चीज़ें सिखाते हैं? कि अक्सर हम ये देखते हैं कि जब हम सड़क में कहीं पे जा रहे होते हैं, हम देखते हैं कि लोग गाड़ियों से बॉटल्स बाहर फेंक देते हैं या ऐसी कुछ चीज़ें करते हैं, तो आप बच्चों को इस चीज़ के लिए कितना जागरूक? हम बच्चों को बताते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, एक प्रॉपर जगह पे डस्टबिन पे उसको डालना चाहिए। और मैम, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कंप्यूटर लैब है, आप इंग्लिश की टीचर हैं, आप कंप्यूटर की टीचर हैं, तो अगर हम बात करें स्वच्छता के लिए कि स्वच्छता से एक इंसान को क्या क्या फ़ायदा होता है, तो अगर आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं कितने बच्चे इस बारे में जानते हैं? स्वच्छता से एक तो पॉजिटिविटी आती है, खुद भी हम बेटर फील करते हैं। तो बच्चों ने भी शेयर किया है कि जब से मतलब ज़्यादा जागरूक हुए हैं बच्चे बेटर फील करते हैं और अपना वो ध्यान रखते हैं, स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ आत्मा का निवास होता है। फिर जैसे मोदी जी का स्वच्छ भारत अभियान है, तो उससे भी अब ये मीडिया काफ़ी है, कोविड का टाइम में तो बच्चे भी काफ़ी जागरूक हुए उससे। और मैम, जब हम स्वच्छता की बात करते हैं, हम कहते हैं कि स्वच्छ भारत रहना चाहिए हमारा, उसके लिए कहीं ना कहीं हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि हम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ना करें जो कि बायोडिग्रेडेबल ना हो, मतलब कि हमें उन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए जो जल्दी से नष्ट हो जाएं। तो इस मामले में भी क्या आप बच्चों को काफ़ी गाइड करते हैं, उनको कहते हैं कि आप हमेशा इस प्लास्टिक से बचें और कागज़ का इस्तेमाल करें? हाँ जी, जैसे अपने प्लास्टिक की बॉटल्स बच्चे यूज़ करते थे तो हमने कंपल्शन कर दिया कि अभी कोई भी प्लास्टिक की बॉटल्स यूज़ नहीं करेगा, तो मैक्सिमम बच्चों के पास स्टील की बॉटल्स है और जो भी रैपर्स वगैरह हैं वो प्रॉपरली बच्चे थ्रो करते हैं डस्टबिन में, या फिर जैसे रास्ते में कुछ खाएंगे बच्चे तो बच्चों को कहा जाता है कि अपने घर ले जाए और अपने घर के डस्टबिन में ही इसे थ्रो करें, इधर उधर एनवायरनमेंट गंदा ना करें। मैं आपसे जानना चाहूँगा, हम बात करते हैं बच्चों की और कहते हैं कि जो विद्यार्थी जीवन होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो विद्यार्थी जीवन में जब हम देख रहे हैं कि लोगों को स्वच्छता सिखाई जा रही है, तो आपको क्या लगता है कि स्वच्छ भारत का ये सपना कितनी जल्दी पूरा हो सकता? बच्चे भी अब बहुत जागरूक है, अब सभी सबको पता है कि स्वच्छ मतलब रहना है, तो सारे बच्चे कर लेते हैं, इधर उधर कोई भी नहीं डालता, कोई भी डस्टबिन में ही डालते सब कुछ। दर्शकों, स्वच्छ भारत के इस मिशन में जहां विद्यार्थियों का एक अहम रोल है, वहीं शिक्षकों का भी इसमें एक अहम रोल है। तो आइए जानते हैं, हमारे साथ एक शिक्षक मौजूद है, एक विद्यार्थी मौजूद है, कि स्वच्छ भारत के इस अभियान में किस प्रकार से स्वच्छता बनाए रखने के लिए ये कार्य कर रहे हैं। आपका नाम? मैम नाम निधि शर्मा। और आप कौन सी क्लास में? हम दसवीं कक्षा पठान जी। और मैं देख रहा हूँ कि आप संस्कृत में बात कर रहे हैं, तो क्या आप हमारे दर्शकों के लिए संस्कृत में कुछ स्वच्छ भारत के ऊपर बताएंगे? स्वच्छ भारतम अस्माकं स्वास्थ्ये अतीव आवश्यकी अस्ति, मनुष्य रोग रहितः च मनुष्य सर्वाणि कार्याणि उत्साहेन कुर्वन्ति। एतस्य अभियानस्य उपरि एकं वाक्यम् अस्ति, स्वच्छ भारतम स्वस्थ भारतम। जी, संस्कृत में आपने काफ़ी अच्छा ये श्लोक और काफ़ी अच्छा स्वच्छ भारत के बारे में बताया, तो सर से जानते हैं। सर, आपका नाम और अगर आप इस श्लोक को ट्रांसलेट करें हमारे दर्शकों के लिए। जी बिल्कुल, मेरा नाम सनी नाटा है और मैं स्थानीय विद्यालय में शास्त्री के पद पर कार्यरत हूँ। जैसा कि अभी छात्रा ने कहा कि जो स्वास्थ्य है
स्वच्छता है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। और जो व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वस्थ है और स्वस्थ रहेगा तो निश्चित रूप से वो किसी भी कार्य को बड़े उत्साह से कर सकता है। जैसे कि छात्र ने अभी कहा, जो लास्ट ध्येय वाक्य था कि स्वस्थ भारत स्वच्छ भारतम, अगर हमारा भारत स्वच्छ रहेगा तभी हम स्वस्थ रहेंगे जी। और सर मैं ये जानना चाहूँगा आपसे, आपके स्कूल को हम देख रहे हैं काफ़ी साफ़ सुथरा है आपका ये स्कूल, और सराउंडिंग्स को भी हम देख रहे हैं कि सराउंडिंग्स भी काफ़ी क्लीन है, काफ़ी साफ़ सुथरी हैं। मेरी संस्कृत तो खैर इतनी अच्छी नहीं है और आप संस्कृत के काफ़ी ज्ञाता भी हैं, तो पर मैं ये जानना चाहूँगा क्या क्या आप कार्य करते हैं संस्कृत के अलावा यहाँ पर सराउंडिंग्स को क्लीन करने के लिए, सराउंडिंग को स्वच्छ रखने के लिए। देखिए, संस्कृत के अलावा जब माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने ये 2014 में ये अभियान शुरू किया था स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, तो उसी मुहिम को आगे चलाते हुए सभी विद्यालय इस मुहिम को आगे चला रहे हैं। और पढ़ाई के साथ साथ जैसे हमने अभी कहा कि अगर जब तक हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक कोई भी चीज़ आप उसको करने में सक्षम नहीं होंगे, और अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तभी हम सभी कार्य बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तक अगर हम स्वच्छता को बनाए रखेंगे तो इन सब चीज़ों से हम मुक्ति पा सकते हैं और एक अच्छा जीवन हम जी सकते हैं। यस सर, हम पा सकते हैं मुक्ति अगर हम अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखेंगे और जो कूड़ा करकट है वो डस्टबिन में डालेंगे जी। तो स्कूल में आप कितने घंटे देते हैं स्वच्छता के लिए? आपका स्कूल हम देख रहे हैं बहुत साफ़ सुथरा है, बहुत सारे प्लांटेशन भी यहाँ पे है, तो कितना टाइम देते हैं आप स्वच्छता के लिए स्कूल में? सर, हम लंच टाइम में भी साफ़ करते हैं और जब हमारी प्ले क्लासेस होती है तब भी हम साफ़ करते हैं सर जी। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, स्वच्छ भारत की हम बात करते हैं कि हमारा भारत स्वच्छ हो, तो आपको क्या लगता है कि स्वच्छ भारत के इस मिशन को हम पूरा करके किस प्रकार से हम विदेशों की तरह हम भी इंडिया को जिसको पहले सोने की चिड़िया कहा जाता था बिल्कुल वैसे हम हो जाएंगे? यथा छात्रा इदानी मुक्तवती कि अस्माकं स्वास्थ्याय स्वस्थस्य मम शरीरम यदि स्वस्थम न भविष्यति तरही कोऽपि कार्यम वयम सर्वे कार्यम कर्तुम न शक्नुमः। यथा गृहे सर्वे जनः प्रतिदिनं यदि स्नानं न करोति, वस्त्रं न प्रक्षाल्यति, प्रांगणे स्वप्रांगणे निक्षः मलेन प्रदूषितं करोति, तरही सहजनः रुग्ण भूत्वा दुखी भवति। सर, अगर आप हिंदी में अनुवाद करें हमारे दर्शकों कि जैसे कि मैंने बताया कि लोग प्रतिदिन घर में वस्त्र धोते हैं, नहाते हैं, और उसके बाद आप देखते हैं प्रांगण में आस पड़ोस में कूड़ा करकट डालते हैं, और उस कूड़ा करकट से जो प्रदूषण, जो हमारा जो पर्यावरण है अस्वच्छ हो जाता है। और मैं आपके माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूं कि जो भी कूड़ा करकट आपके इर्द गिर्द है उसको जहां उसका स्थान है जैसा कूड़ादान है आप वहीं डालें, और निश्चित रूप से आपके माध्यम से मैं ये भी संदेश देना चाहूंगा कि जैसे बच्चे विशेष तौर पर घर में भोजन करते हैं, भोजन करने से पहले आप देखते हैं कि जैसे बाहर बच्चे जो है खेलते हैं, बाहर से आते हैं, अनेक प्रकार के कीटाणु हाथ में उनके होते हैं, तो निश्चित रूप से भोजन करने से पहले आप अपने बच्चों के जो हाथ है उनसे धुलवाएं। और मेरा आप सभी को यही संदेश है कि जो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने ये मुहिम चलाई थी 2014 में, इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हम अपने भारत को स्वच्छ रखें। आइए जानते हैं शिक्षकों से कि स्वच्छ भारत के लिए वो हमारे बच्चों को किस प्रकार से तैयार करते हैं। सर, आपका नाम? मनोज ठाकुर जी। मनोज जी, आप क्या किस पद पे कार्यरत हैं? मैं फिजिकल एजुकेशन टीचर हूँ जी। सर, आपका नाम? विवेक कुमार जी। विवेक जी, आप किस कार्य? मैं स्थानीय विद्यालयों में डिजिटल आर्ट्स के पद पर कार्यरत हूँ। सर, सबसे पहले मनोज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप फिजिकल एजुकेशन बच्चों को इम्पार्ट करते हैं, तो मैं ये जानना चाहूँगा कि स्वच्छता क्यों ज़रूरी है? सर, स्वच्छता तो सबसे पहले हर एक इंसान के लिए ही ज़रूरी है, क्योंकि आजकल देखा ही है आपने, जैसे कि बीमारियों का बहुत ज़्यादा
फैल रही है, तो उस करके हम ज़्यादातर बच्चों को स्वच्छता के बारे में जागरूक कर रहे हैं। तो हम अभी हमने देखा यहाँ पे कि जब हम आपके स्कूल में आए थे तो आप काफ़ी कार्य करवा रहे थे बच्चों से स्वच्छता के लिए, तो जो हमने देखा कि स्कूल तो आपका काफ़ी साफ सुथरा, तो सराउंडिंग्स को स्वच्छ रखने के लिए, सराउंडिंग्स को साफ सुथरा रखने के लिए आप क्या क्या कार्य करते हैं? हम अपने आसपास के जितने भी सराउंडिंग एरिया है उसको साफ करने के लिए हम बच्चों के छोटे छोटे ग्रुप में बांटते हैं और उनसे पॉकेट्स वगैरह जो भी है, ये पॉलीथिन्स वगैरह अवैध पदार्थ है, इनको उठा के हम उन्हें डस्टबिन में डालने के लिए कहते हैं। उसके बाद उन्हें हम हैंड वॉश करने के लिए भी कहते हैं कि काफ़ी सारे जो हमारे युवा हैं वो नशे की तरफ जा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को इनकल्केट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? सबसे पहले तो हम उनको सुबह नशे से दूर करने के लिए हम उनको फिजिकली एक्टिविटी करवाते हैं, जिससे कि उनका ये नशे के बारे में थोड़े दूर रह सके, नशे से भी दूर रह सके, और उनको हम नशे के बारे में भी बताते हैं कि इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं हमारी बॉडी पे, शरीर पे। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप TGT आर्ट्स हैं और अक्सर ये कहा जाता है कि स्वच्छता आपके मन में भी होनी चाहिए, तो आप स्वच्छता को बच्चों के मन में इनकलकेट करने के लिए, एक एटीट्यूड स्वच्छता का डेवलप करने के लिए किस प्रकार से प्रेरित करते हैं? देखिए सर, स्वच्छता के बारे में बताएं तो जो विद्यालयों की दृष्टि से, विद्यालयों में जो क्या बोलते हैं, विद्या की देवी माँ सरस्वती का वास होता है, तो विद्यार्थियों के लिए स्वच्छता जो है बहुत अहम भूमिका होती है। और दूसरा जो देखा जाए कि बहुत सारे विद्यालय हम न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी देखते हैं जहाँ पे स्वच्छता नहीं होती है, तो स्वच्छता बहुत ज़रूरी है विद्यालय में भी बच्चों के लिए, और बच्चों में इनकी मेंटेलिटी डालने के लिए, जैसे सर ने बताया हम योग शारीरिक कराते हैं, फिजिकली वर्क कराते हैं, तो उस दृष्टि से हम बहुत ध्यान रखते हैं बच्चों के। सर कहा यह जाता है कि अगर हमें स्वच्छ रखना है, अपने आप को स्वस्थ रखना है, एनवायरनमेंट को, तो हमें कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ों का प्रयोग करना पड़ेगा जो कि डिग्रेडेबल हो, हमें प्लास्टिक से बचना चाहिए, रिसाइकल करना चाहिए, तो क्या बच्चों को आप वो चीज़ें भी सिखाते हैं? जी बिल्कुल, हम बच्चों को हमेशा, बल्कि इनके चैप्टर भी है इसमें सब्जेक्ट में कि हमें सिर्फ बायोडिग्रेडेबल पैकेट यूज़ करने चाहिए, डस्टबिन में हम घरों में देखते हैं कि हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं, तो हमें जितना भी हो सके, हमें प्लास्टिक तो बिल्कुल भी बैन है आजकल, तो हमें क्या बोलते हैं बायोडिग्रेडेबली। और सर आपको क्या लगता है कि अगर हम स्वच्छता को बनाए रखेंगे, अपने वातावरण को स्वच्छ रखेंगे, तो कहीं ना कहीं हम जैसे कि देख रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, मौसम भी बड़े अनप्रडिक्टेबल तरीके से चल रहा है, अगर गर्मी होने लगती है तो बहुत गर्मी होने लगती है, बरसात होने लगती है तो बहुत ज़्यादा बरसात होती है, तो क्या इन सब चीज़ों का पालन करके, स्वच्छता को बनाए रख के, हम कहीं ना कहीं एक इन्वायरमेंट को भी साफ़ रखेंगे? बिल्कुल सर बिल्कुल, हम अपने आस पड़ोस की जितनी भी साफ़ सफाई करेंगे हम, उससे हमारा सबसे पहले तो एनवायरनमेंट तो बिल्कुल सही रहेगा ही रहेगा, और ऊपर से हमें साथ ही साफ ऑक्सीजन भी ज़रूर मिलेगी। जी सर, PTI सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, बच्चों को आप किस प्रकार से गाइड करते हैं स्वच्छता के लिए, जब वो सुबह उठते हैं और जब वो स्कूल आते हैं, तो उन चीज़ों के लिए आप क्या क्या टिप्स देते हैं बच्चों को? सबसे पहले तो हम उन्हें डेली कहते हैं कि जब भी आप सुबह डेली स्कूल आते हो, तो सबसे पहले तो आपने नहा धो के आना है, आपके जो कपड़े हैं, जो आपके क्लोथ्स है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन होने चाहिए, और साथ ही में आपके नेल्स वगैरह बिल्कुल प्रॉपर कटे हुए होने चाहिए, हेयर्स कटे हुए होने चाहिए। उनको स्वच्छता के बारे में बताते हैं, उनसे फैलने वाली बीमारी के बारे में उनको हम जागरूक करते हैं। दर्शकों अब हम आ चुके हैं प्रधानाचार्य श्री अनुराधा जी के रूम में, और इनसे जानने वाले हैं कि इनके स्कूल में स्वच्छता के लिए कौन कौन सी गतिविधियां की जाती है। मैम आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। जी स्वच्छता का तो सभी के जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है, जैसे हम दिन की शुरुआत ही देखो हम करते हैं, सुबह उठते हैं अपना डस्टबिन बांट देते हैं, गीला और सूखा कचरा अलग अलग करते हैं, तो स्वच्छता से ही हमारा जीवन चलता है, अगर हम स्वच्छ रहेंगे तो हम स्वस्थ भी रहेंगे। मैम आपके सुंदर स्कूल को साफ सुथरा रखने में कितना बड़ा स्टाफ लगा हुआ है, कितने इसमें टीचर्स हैं और कितने सफाई कर्मचारी हैं? हाँ जी, इसमें जी 16 का स्टाफ है और 216 बच्चे हैं इसमें, तो हमने अपने सदन बनाए हुए, सदन वाइज हमने बच्चों को भी ड्यूटियाँ दी है, उसके साथ टीचर भी अटैच किए हुए, उसके साथ PN भी अटैच की हुई है, तो वो अपने अपने जो प्लांटेशन भी की हुई, हमने स्वच्छता का भी ध्यान रखते हैं और टॉयलेट वगैरह का भी ठीक अरेंजमेंट है, 16 टॉयलेट बनाए हुए हैं हमने, और टॉयलेट में भी साबुन वगैरह की व्यवस्था है, सैनिटाइज़र भी है, क्योंकि आपको पता आजकल कोरोना भी चला हुआ था, उसके कारण सैनिटाइज़र की व्यवस्था है, और वॉशरूम में हमने सॉप की व्यवस्था की हुई है,
और बच्चों की ड्यूटियाँ लगाई हुई है, और जो भी पहले स्कूल में आके बच्चों को सैनिटाइज़र करते हैं फिर क्लासेज में बैठाते हैं, तो इसमें स्वच्छता का तो बहुत रोल है। अगर हम स्वच्छ रहेंगे तो तभी हम स्वस्थ रहेंगे। स्वच्छ शरीर में स्वस्थ मन रह सकता है, इसलिए हमने सदन बनाए हुए अपने स्कूल में। जैसे सदन वाइज बच्चों की ड्यूटी लगती है, एक सप्ताह सप्ताह का इनके सदन में ड्यूटी लगती है, एक सप्ताह की सारी गतिविधियां स्वच्छता की भी, फिर प्लांटेशन की भी, पौधों को पानी भी देते हैं, सारा इसका अरेंजमेंट सदन वाइज किया जाता है, और बच्चे अपने अपने जो प्लांट है उनको देखते हैं सदन वाइज, और इसलिए हमारा स्कूल सुंदर लगता है, प्लांटेशन बहुत अच्छी हुई है, स्वच्छता का भी पूरा ध्यान दिया गया। मैम आपका स्कूल बहुत ज़्यादा सुंदर है, और जब भी आपके स्कूल में कोई आएगा तो देखेगा कि काफ़ी सारे प्लांट्स लगे हैं, और जैसा आपने जिक्र किया कि जो व्यक्ति स्वच्छ रहेगा वही व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। मैम अक्सर जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे उनका ये सपना था कि हमारा जो देश है वो साफ़ सुथरा रहे, और कहीं ना कहीं उसी चीज़ को पूरा करने के लिए आज हम स्वच्छ भारत के इस कार्यक्रम में आपके स्कूल में आए। तो मैं महात्मा गांधी के इस जो उनका एक रोल था कि स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए, उसके बारे में आप बच्चों को कितना जागरूक करते हैं, कितने डिबेट्स वगैरह, कितना इस चीज़ के लिए उन्हें अवेयर करते हैं? हाँ जी, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भी स्वच्छता पे जोर देते थे, और हम भी समय समय पे डिबेट भी करवाते हैं, और इनको उनकी चित्र प्रतियोगिता भी करवाते हैं स्वच्छता के बारे में, पर्यावरण के बारे में हम कंपटीशन करवाते रहते हैं, ड्राइंग कंपटीशन होते हैं और डिबेट्स वगैरह भी होते हैं, और हमारे हर सप्ताह कोई ना कोई विषय लेके उस बारे में डिबेट वगैरह होती रहती है, और बच्चों को जागरूक करते रहते हैं। मैम अक्सर कहा यह जाता है कि जो हमारा भारत है वो एक युवा देश है, तो आप कितने ज़्यादा पॉजिटिवली सोच रहे हैं कि जो हमारे युवा हैं कहीं ना कहीं वो हमारे देश को स्वच्छ भारत के इस अभियान को पूरा करने में एक अहम योगदान निभाएंगे? तो जी है ही है, वो देश महान ही तभी बनेगा अगर युवा शक्ति में जागरूकता आएगी। अगर हम युवा शक्ति को हम प्रेरित करेंगे तो वो, अगर हम हर व्यक्ति ये सोचे कि हमने सफाई रखनी है तो हमारा मोहल्ला क्या, देश भी साफ रहेगा, घर भी साफ रहेगा, स्कूल भी साफ रहेगा, देश भी साफ रहेगा। ये तो सभी को अपने जीवन में उतारना चाहिए कि हमने हर जगह स्वच्छता रखनी है, साफ़ सफाई का ध्यान रखना। वैसे भी दिवाली के दिनों में भी कहते हैं जी लक्ष्मी आती है, उसका क्या मतलब है सफाई रखने से लक्ष्मी आती है? उसका मतलब ये है, जो हम अगर हम सफाई नहीं रखेंगे तो हम बीमार रहेंगे, वो पैसा हमारे दवाइयों पर खर्च होगा। अगर हम सफाई रखेंगे तो जो हमारा बीमारी पर पैसा खर्च वो बच जाएगा, वो हमारे घर को संपन्न करेगा। मैम अक्सर ये कहा जाता है कि सफाई कर्मचारी के बिना स्वच्छ भारत का ये जो मिशन है ये कभी पूरा नहीं हो सकता, तो आप कितना सहमत हैं इस बात से? सफाई कर्मचारी अगर अकेला देखा जाए तो वो कुछ नहीं कर सकता, अगर हम सभी लोग योगदान ना दें, इसलिए सारे समाज का, सब हर व्यक्ति का योगदान होना जरूरी है, अकेला सफाई कर्मचारी नहीं कुछ भी कर सकता। आइए हम स्वच्छता की शपथ लेते हैं कि हम हफ्ते में तीन घंटे सफाई के लिए देंगे और कहीं भी गंदगी नहीं फैलाएंगे। जय हिंद। दर्शकों, हमारे प्यारे राष्ट्रपिता, हमारे प्यारे बापू अक्सर ये कहा करते थे जो व्यक्ति स्वच्छ रहेगा वही व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। दर्शकों, आज के स्वच्छ भारत के इस कार्यक्रम में हम आपको लेकर आए थे सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल, और हमने आपको दिखाया कि विद्यार्थी जीवन में स्वच्छता का क्या महत्व है। उम्मीद करते हैं आपको आज का ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।